हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ झारखंड के खनिज संसाधन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी में लगे हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है जो झारखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के खनिज संसाधन मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कार्बन यानी कोयला है उसको पढ़ाऊंगी। कोयला के साथ साथ यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट के बारे में भी आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। इसके पहले भी मैंने दो क्लासेस ऐसे हैं जो झारखंड के खनिज संसाधन पे लिए हैं, वो अगर आप नए नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आप उन दो क्लासेस को भी कर लीजिए, तभी आपका झारखंड का खनिज संसाधन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। आज का जो मेरा क्लास है वो झारखंड के ज्योग्राफी का 17वां नंबर का क्लास है, 17 क्लास। इसके पहले मैंने 16 क्लासेस ऐसे हैं जो ले चुके हैं झारखंड के ज्योग्राफी से, आज 17वां क्लास है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि झारखंड में खनिज संसाधन से, झारखंड जो है वो खनिज संसाधन से पूर्ण राज्य है। प्रकृति ने एक अनमोल देन दिया है झारखंड को, एक ही जगह पे बहुत सारे खनिज संसाधन जो है वो पाए जाते हैं, उसमें भी अपना एक इम्पॉर्टेंस स्थान रखता है कोयला। कोयला के उत्पादन और भंडारण में झारखंड का पहला स्थान है, इसीलिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे निकलते हैं और कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने एक अलग से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कोयला के बारे में बताने का सोचा, क्योंकि ये विस्तृत टॉपिक है और मेरा ये प्रयास है कि कोई भी ऐसा टॉपिक मैं छोड़ू नहीं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है और झारखंड से रिलेटेड है। क्योंकि झारखंड एसएससी सीजीएल के सिलेबस को अगर आप देखें तो 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न ऐसे होंगे जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, और झारखंड पीएससी के अगर सिलेबस को देखिए तो 110 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो जेपीएससी और झारखंड एसएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग आज की क्लास में जाने चले पहले सबसे पहले कोयला के बारे में। कोयला जो है उसके उत्पादन और भंडारण में झारखंड का पहला स्थान है। लगभग पूरे भारत का 33% कोयला का भंडारण जो है वो झारखंड में है। अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़े आपको मिलेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ लगभग करके दे दिया, कहीं 40% देता है, कहीं 33 से भी कम कर देता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़े हैं। जो सही लगता है वही मैं यहाँ लिखती हूँ। अब हम लोग जानेंगे कि कोयला जो है वो झारखंड में किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है। ऐसे कोयला तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भी मिलता है और टर्शियरी क्रम की चट्टानों में भी मिलता है। जहां जहां टर्शियरी क्रम की चट्टानें होंगी वहां भी कोयला मिलेगा, संभावना है, और जहां जहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगी वहां भी कोयला मिलेगा, ऐसी संभावना है। गोंडवाना काल में एक घटना घटी थी, उस समय में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ हुआ करते थे, वृक्ष हुआ करते थे। कुछ भूगर्भिक कोई ऐसा प्रक्रिया, ये आपदा आया होगा जैसे कि भूकंप आ गया या फिर दरारें पड़ जाती हैं, तो ऐसे में पेड़ क्या हुआ कि वो जमीन के नीचे, जो भूमि के नीचे वो दब गया। अत्यधिक दाब से, अत्यधिक ताप से ऑक्सीजन की आपूर्ति जो थी उस वृक्ष को मिल नहीं पाई, और जमीन के नीचे लाखों करोड़ों सैकड़ों वर्ष तक वैसे ही दबे रहने के बाद ये कोयले का निर्माण हुआ। और ये बहुत ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा लगता है कोयले को बनने में, हजारों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन जब आज के समय में इतना खनन इसका हो रहा है और अवैध खनन के कारण कोयले की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन पृथ्वी के नीचे से यानी कि हमारे धरातल से, हमारे भूगर्भ से कम होते जा रही है, तो इस कोयले को बचाना है ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी वो इसका उपयोग कर सके। जैसे कि आज हम लोग सुविधापूर्ण उपयोग कर पा रहे हैं कोयले का, कोयले से विद्युत का निर्माण होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री को कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है, कोयला कच्चे माल, आवश्यक कच्चा माल होता है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, विद्युत की आपूर्ति भी कोयले से होती है, और ज़्यादातर हम लोग जो लगभग 67% ऐसे विद्युत की आपूर्ति होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ताप विद्युत से होती है, यानी कि उस ताप विद्युत में कोयले का प्रयोग किया जाता है विद्युत को निर्माण को निकालने में। तो कोयला जो है अपना बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, और झारखंड में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है।
गोंडवाना क्रम की चट्टाने जो है वो झारखंड के कुछ क्षेत्र में उसका विस्तार है। तो वैसे हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर कोयला जो है वो मिलता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे किस प्रकार के कोयले जो हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। तो झारखंड में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है और साथ साथ एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है, लगभग 98% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है लगभग 78% से लेकर के 86% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो दोनों प्रकार के कोयले के भंडार जो है वो झारखंड में उपलब्ध हैं। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहला कोयला का खनन झारखंड में कहाँ हुआ था। चूंकि हम लोग झारखंड पढ़ रहे हैं तो इसीलिए झारखंड पे ज्यादा फोकस है। तो झारखंड में सबसे पहले कोयला का खनन कहाँ हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो झारखंड में एक क्षेत्र है झरिया, झरिया जो है वो दामोदर घाटी के दामोदर घाटी का क्षेत्र है और ये धनबाद जिले में पड़ता है। तो झरिया में सबसे पहले झारखंड में कोयला का खनन हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूरे भारत में सबसे पहला कोयला, आधुनिक तरीके से कोयला का खनन भारत में कहाँ हुआ था, तो वो जगह कहा था रानीगंज का क्षेत्र। रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में आता है और रानीगंज में सबसे पहला खनन हुआ था कोयले का। और झारखंड में अगर पूछा जाए कि झारखंड में पहला कोयले का खनन कहाँ हुआ था, तो वो झरिया में हुआ था और झरिया धनबाद जिले में और दामोदर घाटी के क्षेत्र में ये आता है। यहाँ पर से उत्तम किस्म के कोयले निकाले जाते हैं। कोकिंग कोल है वो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार का कोयल है। लगभग 95% कोकिंग कोल का उत्पादन अकेले झारखंड करता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे झारखंड का प्रथम कोयला क्षेत्र कौन है भंडारण में भी और उत्पादन में भी, तो ये झरिया ही है। और पूरे झारखंड का लगभग 60% कोयला जो है वो झरिया से निकाला जाता है। झरिया को मैंने बताया कि वो धनबाद जिले में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि झारखंड में उत्पादन और भंडारण में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो जहां जहां पर से कोयला का उत्पादन होता है और वहां उसका भंडारण है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के बारे में। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में झरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा कोयला झरिया से ही निकाला जाता है और सबसे पहला खनन कार्य भी झरिया में ही हुआ था और झरिया धनबाद में है। तो झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा, यहाँ पर से कोयला निकाला जाता है और ये दामोदर घाटी क्षेत्र में आता है और ये कोयला के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बराकर बेसिन क्षेत्र। यहाँ से जहाँ जिस जगह से बराकर नदी गुजरती है और बराकर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। उसमें महत्वपूर्ण है चतरा का इटखोरी, कुजू जो है वो रामगढ़ में पड़ता है, कुजू व चोप और गिरिडीह, इन सभी जगह से कोयला का उत्पादन होता है और ये बराकर बेसिन के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अजय बेसिन क्षेत्र कहाँ पर है। देखिए ये अजय बेसिन, यहाँ से मुंगेर से अजय बेसिन निकलती है, देवघर और दुमका और थोड़ा बहुत जामताड़ा को भी टच करती है, तो अजय और फिर आगे बढ़ जाती है और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो बिहार से इसका उद्गम स्थल है मुंगेर से। तो अजय बेसिन का जो क्षेत्र है वहां से भी कोयला निकाला जाता है, तो वो कौन सा है, तो हजारीबाग जिला का जयंती, सहगोरी, कुंडित और करैया। तो यहाँ से गलती है, अजय बेसिन क्षेत्र, अच्छा मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। तो अजय बेसिन क्षेत्र में हजारीबाग जिला का जयंती, सहगोरी, कुंडित और करैया का जो क्षेत्र है वहां से कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहां से भी कोयला का उत्पादन होता है। कौन कौन सा क्षेत्र है वो, ब्राह्मणी, पचवारा, छप्परबीटा, गिलवाड़ी, हैना, इन सभी क्षेत्रों से भी कोयला का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे उत्तरी कोयल बेसिन, ये क्षेत्र है उत्तरी कोयल बेसिन का, तो यहाँ से भी कोयला का उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ, तो डाल्टेनगंज, हुटार, औरंगा नदी, अमानत नदी का क्षेत्र। औरंगा और अमानत नदी जो है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, तो इन सभी क्षेत्रों से भी कोयला का उत्पादन होता है। अब हम लोग कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे जहां से प्रश्न पूछा जाता है कोयला से संबंधित और झारखंड
मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं और संभावना भी है, वैसे प्रश्नों को मैंने यहाँ शामिल किया है, वैसे तथ्यों को मैंने शामिल किया है। तो देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसको BCCL कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। तो झरिया कोयला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो BCCL के अंतर्गत आता है, यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न बन सकता है। फिर नेक्स्ट बन सकता है, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा, लातेहार और पलामू का जो कोयला क्षेत्र है वो सेंट्रल कोकिंग कोल के अंतर्गत आता है, यानी कि CCL के कमान के अंतर्गत आता है। तो आपने जाना कि झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो BCCL के अंतर्गत आता है, और हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, चतरा, लातेहार और पलामू का जो कोयला क्षेत्र है वो CCL के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे झारखंड प्राइम कोकिंग कोल जो है उसका एकमात्र उत्पादक राज्य है। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा कोकिंग कोल जो है उसका उत्पादन झारखंड में ही होता है, झारखंड एकमात्र उत्पादन राज्य है झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला का खान कौन सा है। तो उत्पादन में तो आपने जाना कि झरिया है सबसे बड़ा कोयला का खान, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयले का खान कौन सा है, तो वो है सिकनी। सिकनी जो है वो लातेहार में है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिकनी कोयला का खान या सिकनी परियोजना कहाँ पर है, तो वो है लातेहार में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विश्व बैंक की मदद से चलने वाली कुछ महत्वपूर्ण कोयला की परियोजना कौन कौन सी है, तो वो है झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना और कतरास परियोजना। ये जितने परियोजनाओं के नाम बताए ये सभी वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजना है। नेक्स्ट है सोवियत रूस की सहायता से चलने वाली कौन कौन सी परियोजना है, तो देखिए वो है OCP कोयला क्षेत्र जो झरिया में आता है, ये सोवियत रूस की सहायता से चलता है, और साथ में सीता नाला परियोजना जो है वो भी झरिया में ही है, और वो ये भी चलता है किसके द्वारा, तो सोवियत संघ रूस के मदद से ये जो परियोजना है वो चलाई जा रही है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को जाना, सोवियत रूस के द्वारा चलाई जा रही की सहायता से चलाई जा रही परियोजना को आपने जाना, और कौन कौन से कंपनी जो कौन कौन सा जो ये लिमिटेड है वो जो कोयला के क्षेत्र को देखता है या उसकी निगरानी में चलता है वो, तो उसके बारे में भी आपने जाना। किस गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला निकल पाया जाता है झारखंड में, और उसके अलग अलग क्षेत्र हैं झारखंड में, जैसे कि दामोदर घाटी, बराकर बेसिन, अजय बेसिन और राजमहल की पहाड़ी और उत्तरी कोयल बेसिन, पांच क्षेत्र हैं जहां से कोयला निकाला जाता है। फिर देखिए ये मैप के माध्यम से मैंने बताया है बराकर नदी का क्षेत्र, फिर दामोदर नदी का ये क्षेत्र, उत्तरी कोयल का क्षेत्र, अजय बेसिन है राजमहल की तरह, राजमहल के क्षेत्र में जो है वो सब, तो पांचों को मैंने शामिल किया यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम जो है वो झारखंड का आण्विक खनिज है, आण्विक खनिज है वो, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका विस्तार झारखंड के अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में तो जादूगोड़ा से ही प्रश्न पूछा जाता है कि जादूगोड़ा का जो क्षेत्र है वो झारखंड में किस लिए प्रसिद्ध है, या यहाँ पर से कौन से खनिज का उत्पादन किया जाता है, या यूरेनियम का उत्पादन करने वाला निम्न में से कौन सा क्षेत्र है झारखंड का, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो जादूगोड़ा से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जो जादूगोड़ा जो है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है जादूगोड़ा, और यहाँ से यूरेनियम निकलता है। फिर ढालभूम, जुर्माडी, नरवा बागजात, कन्यालोका, केरुआ और डुमरी, इन सभी जगहों से भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। जादूगोड़ा जो है वो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है। यहाँ पर खुदाई कौन करवाता है, कौन निकलवाता है यूरेनियम को, तो वो है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की देख रेख में ये निकाला जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे थोरियम के बारे में। थोरियम भी आण्विक खनिज है, और इसका विस्तार कहाँ पर है, तो ये रांची के पठार में और साथ साथ धनबाद में भी इसका विस्तार है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इल्मेनाइट के बारे में। ये भी एक आण्विक खनिज है और इसका विस्तार रांची में है। कल के क्लास में आप जानेंगे उद्योग के बारे में, और अब जो है झारखंड का ज्योग्राफी जो है वो लास्ट होने वाला है।
बीच में एक सिंचाई है, झारखंड में सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, जो अलग अलग परियोजनाएं जो हैं, जैसे कुछ कुछ चीजें जो हैं जो रह गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उससे रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगी। झारखंड के उद्योग, फिर परिवहन, फिर जनगणना, जनगणना 2011 झारखंड के संदर्भ में, तो ये सभी को मैं कराऊंगी। 3 क्लासेज होंगे, अधिक से अधिक होंगे, तो उद्योग जो है, क्योंकि झारखंड में खनिज बहुत ज़्यादा है, उद्योग भी ज़्यादा है, तो उद्योग से भी कुछ क्लासेस बन जाएंगे। तो कोशिश करूंगी कि इस सप्ताह तो संभव नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को मैं एक क्लास बस बचा हुआ है फ्राइडे का ज्योग्राफी का, और ये जो वन लाइनर्स जीके जो मैं करा रही हूँ, झारखंड से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो 500 प्रश्नों का संग्रह मैंने करा रहा है, तो उसमें मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को शामिल करूँगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के जो झारखंड एसएससी सीजल में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं झारखंड से रिलेटेड, उसके एक वीडियो को मैं लेकर आऊँ। तो झारखंड से रिलेटेड जैसे प्रश्न पूछे गए हैं जेएसएससी सीजीएल में, तो उसका क्लास मैं दूंगी इस सैटरडे को, और करंट अफेयर का तो डे ही है संडे, तो करंट अफेयर आपको मिलेगा, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में आपका झारखंड का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। तो आज आपने पढ़ा कोयला के बारे में और यूरेनियम के बारे में, थोरियम के बारे में, इल्मेनाइट के बारे में। थोड़ा सा यहाँ डाउट है, क्योंकि अजय बेसिन तो वहाँ है और यहाँ पर शामिल किया गया है हजारीबाग जिला के जयंती को, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा मुझे यहाँ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके जब कमेंट्स मुझे आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गहराई से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कोशिश कीजिएगा नोट्स बनाने का, नोट्स बनाने से सबसे ज़्यादा फायदा ये होते हैं, रिवीजन तो हो ही जाता है और साथ में लिखने का भी प्रैक्टिस बना रहता है और याद भी हो जाती है। तो नोट्स बनाने का कोशिश कीजिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अक्सर भूल जाती हूँ ये बात बोलना। उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।